प्रियंका पर सीआरपीएफ का बड़ा बयान। प्रियंका की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई, यह कहना है सीआरपीएफ का। प्रियंका खुद लिफ्ट लेकर गई, प्रियंका ने खुद की स्कूटी की सवारी की, तो सवाल यह उठाए थे। दरअसल सीआरपीएफ पर भी सवाल उठ रहे थे क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा की सिक्योरिटी का जिम्मा सीआरपीएफ के हवाले ही है। अब इस पूरे मामले पर सीआरपीएफ ने सफाई दी है क्योंकि लखनऊ से तस्वीरें कुछ इस तरीके से सामने आई थी, जब बिना हेलमेट के वो लखनऊ की सड़कों पर स्कूटी में सवार होकर निकल रही थी। अब सीआरपीएफ ने सफाई दी है कि खुद ही वो स्कूटी पर सवार होकर निकली थी और सुरक्षा में कोई चूक नहीं की गई। तो ये तब की तस्वीरें हैं, 3 दिवसीय दौरे पर थी लखनऊ में, कांग्रेस का स्थापना दिवस भी था, और वहीं पर जब वो मिलना चाहती थी रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर से, लेकिन चूंकि हिंसा का माहौल बन सकता है दोबारा, धारा 144 लागू थी, ऐसे में पुलिस ने उन्हें उन रास्तों से जाने से रोका। तो फिर प्रियंका गांधी वाड्रा अपने कार्यकर्ता की स्कूटी पर सवार होकर वहां से निकल गए। अब इसी मामले में सीआरपीएफ ने सफाई दी है कि सीआरपीएफ की ओर से सुरक्षा में कोई चूक नहीं की गई। तो प्रियंका की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई, यह दावा किया है सीआरपीएफ ने। प्रियंका खुद लिफ्ट लेकर स्कूटी पर सवार होकर निकल गई थी।